हो चुका है, लेकिन यदि आप लोग चाहते हो कि मेरे सेशन से रिलेटेड और कुछ वीडियो देखें तो लगभग लगभग 200 से ऊपर मेरा एक यूट्यूब चैनल है, ट्रिपल एस संतोष वर्मा के नाम से, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसमें 200 से ज़्यादा वीडियो बने हुए हैं और लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूअर हो चुके हैं, ट्रिपल एस संतोष वर्मा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, और कभी मौका मिले तो हम इसी कॉलेज में रिक्रूटमेंट के लिए, जैसे सर ने बताया एचआर, पिछले 18 साल के एचआर के एक्सपीरियंस है, तो रिक्रूटमेंट करने के लिए हम आपके सामने पेश हैं। और वहाँ पे आपको ये बोले, देखो मैंने बताने का मतलब ये कि झकास एचआर पॉइंट ऑफ व्यू में मैं लगभग लगभग अपने लाइफ में 18 साल की लाइफ में 2 से 3 हज़ार लोगों का इंटरव्यू ले चुका हूँ, और उनका सिलेक्शन कैसे होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो बेसिक चीज़ें हैं, टेक्निकल स्किल वो बात की बात है, पहला होता है फर्स्ट इंप्रेशन, इनिशियल लेवल में आपको प्रेजेंटेशन कैसा है। यदि हम किसी को बोले ना कि सर से बात नहीं हो रही, हाउ आर यू, टेल अबाउट योर सेल्फ, तो वहाँ पे जो आपको वर्डिंग सर है ना, 30 सेकंड हम जज कर लेते हैं कि बंदा हमारे लायक है कि नहीं। आई बात समझ में, ग्रूमिंग वगैरह पहनावा ओढ़ना हो तो ठीक है, लेकिन आपका जो 30 सेकंड आप क्या बोल रहे हैं अपनी चीज़ों को, आई बात समझ में। तो आप लोग अभी इनिशियल लेवल में हो, एक चीज़ बस सीख जाओ, टेक्निकल के बारे में मैं तो ABCD भी मालूम है, मैंने आपको पहले ही बताया, टेक्निकल आप सीख जाओगे, लेकिन इंटरव्यू में फर्स्ट जो चीज़ आपको बता रहे हैं वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल, जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पे, जब तक रहोगे पता नहीं कोरोना काल चल रहा है, आज कैंपस लगेगा नहीं लगेगा नहीं मालूम, लेकिन 6 महीना 4 महीना जब भी रहोगे तब तक आपका कम्युनिकेशन स्किल को इतना स्ट्रांग करो, इतना स्ट्रांग कर लो कि यदि आप कहीं पर भी जाओ इंटरव्यू के लिए तो पहला सिलेक्शन है, पहली बात नहीं आपका सिलेक्शन है, सिर्फ आपको बोलने का टेक्निक होना चाहिए, आपका चीज को कैसे बेहतर तरीके से सामने वाले को पेश करना आपको आना चाहिए। आप जब इंटरव्यू जाते हो ना तो आपको कुछ नहीं, अपने आप को बेच रहे हो, तो अपनी जो पर्सनालिटी, अपना जो छवि है कैसे बेहतर तरीके से सामने वाले के सामने पेश कर सके, यही आप लोग सीख जाओ जिंदगी में। इसी के साथ सेशन क्लोज करते हैं, थैंक यू सो मच।